नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को आए हैं अड़गड़ानंद जी का स्थान दिखाने, जो कि अटनियन नाम से फेमस है। छतरपुर ज़िले से सटई 17 किलोमीटर दूरी पर, सटई से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ये अड़गड़ानंद जी का स्थान है अटनियन नाम से। और आज हम अपनी टीम के साथ अपने चैनल को लेके आए हैं, जिसका नाम हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है राहुल ब्लॉग छतरपुर के नाम से एक चैनल बनाया है, जिसमें आप लोगों को मंदिर और छतरपुर ज़िले की जो भी धरोहर हैं वो दिखाने का हम आपको प्रयास करेंगे। लॉकडाउन के समय पर आप अपने घरों पर हैं, इसलिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को लॉकडाउन के समय पर हम कोई एक मंदिर या कहीं की कोई एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारे द्वारा काम हो सके, सौभाग्य प्राप्त हो सके। इसके लिए हम आज आए हुए हैं अटरियन, और हम आपको आगे दिखाते हैं कि स्थान में क्या क्या अच्छाई हैं और क्या क्या बुराई है। तो चलिए आप लोगों को आज दिखाते हैं इस स्थान की अच्छी खूबियाँ। ये देखिए कितना सुंदर आप लोगों को यहाँ पर ये आम के वृक्ष लगे हुए हैं, और इनमें आम भी बहुत ही फूल, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल और ये आम के वृक्ष जो लगे हुए हैं, आम भी बहुत सुंदर यहाँ पर लगे हुए हैं। कई तरीके के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं एक दफ़े यहाँ आया हुआ था पहले, तो मैंने भी सोचा कि शायद आप लोगों को भी एक अच्छी चीज़ दिखाने का प्रयास करूं, एक अच्छा धर्म स्थान दिखाने का प्रयास करूं, जो कि बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें कई तरीके के वृक्ष भी लगाए गए हैं, फलदायक वृक्ष भी ज़्यादातर यहां पर हैं, जो जिससे यहां पर छोटे छोटे बड़े पशु पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ही शानदार है, इसका मौखिक विवरण करना साधारण नहीं है, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग आगे और एक बार ज़रूर देखें इसकी सुंदरता। और सिर्फ इसकी आप घर बैठे कल्पना ही कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, बाकी जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक जो सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता होती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए किस तरीके से पेड़ों में भी इन्होंने सुंदरता दी है, और स्वच्छता के लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो ये रखवाए गए हैं स्वच्छता के लिए। पेड़ों में देखिए किस तरीके से ओम का चिन्ह बनाकर और उसको पेड़ को भी सुंदर बनाया गया है। और इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं परम पूज्य परमहंस स्वामी जी अड़गड़ानंद जी का पूजा स्थल जो बनाया गया है। वंदना भी है, संत समाज भी यहाँ पर काफ़ी रुकते हैं, और बहुत संत समाज भी यहाँ पर है। महाराज जी प्रणाम करता हूँ। महाराज जी छतरपुर से आए हुए हैं और यहाँ स्थान पर घूमने आए। कितने साल हो गए इस स्थान को बने हुए? कौन 20 साल? 20 साल हो चुके हैं। यहाँ की देख रेख आप ही लोगों? सब महात्मा करते हैं। अच्छा अच्छा करते। ये जो सामने ये बना हुआ है ये धर्म पूजा स्थल? हाँ जी पूजा, जा सकते हैं आप पूजा स्थल दर्शन करो नहीं भगवान जी जी। चलिए चलिए, ये महाराज जी वहाँ पर हैं, और बहुत ही सुंदर और भव्य ये सामने आप लोग देख पा रहे होंगे पूजा स्थल है। ये गुरु जी की जो आप लोग देख पा रहे हैं बाहर फोटो लगी हुई है, स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी की, महाराज जी की फोटो भी यहाँ पर है, और अंदर भी उनका। मंदिरों में ऐसा बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए किस तरीके से साफ स्वच्छ तरीके से यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है, और भी बहुत सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से सभी दिखाऊंगा। और देख के बड़ा खुश हो, दिल खुश हो जाता है यहाँ पर आकर। और कभी आप भी आइए, सटई से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, छतरपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर सटई है छतरपुर से, और सटई से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आम के वृक्ष लगाए गए हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ पर। जब फलदायक वृक्ष अपन देखते हैं तो एक दिल में खुशी होती है, और बहुत ही सुंदरता इन पेड़ों की वजह से यहाँ पर होती है। और बहुत ही शानदार स्थान बनाया गया है, बड़ी सफाई के साथ यहाँ पर हर चीज़ आपको दिखाऊँगा एक एक। और चलिए आगे दिखाता हूँ आपको जी। देखिए यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से और स्वामी जी के रुकने का स्थान भी बनाया गया है, और अर्थात गीता के बारे में आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और अर्थात गीता भी यहाँ से प्राप्त होगी आपको। अर्थात गीता जो स्वामी अड़गड़ानंद जी के द्वारा लिखी गई है, अर्थात गीता के बारे में ही इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और यहाँ तक ज़्यादातर जो भी कुछ है वो अर्थात गीता का ही सब कुछ है, और यहाँ पर एक लोगों को जानकारी
दी गई है कि भाई आप लोग भी जानें और समझें कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदरता तो यहाँ पर आपको बेमिसाल मिलेगी देखने को। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर जब आप ये सुंदर वृक्ष देखते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ शायद आप लोग सुन पा रहे होंगे। बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत सुंदर इस जगह को इन्होंने बनाया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि शहरों से बहुत दूर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सुंदरता इतने ऐसे आउट एरिया में इन लोगों ने दी है कि उसको देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने स्लोगन लिखे हुए हैं बहुत सारे, भजन का अधिकार सबको है, और हकीकत भी है सभी को भजन का अधिकार है, सब लोग ईश्वर को पूछ सकते हैं, मनुष्य केवल दो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं जो भी आप लोग, मैं कहता हूँ राहुल जी थोड़ा सा दिखाएं जो स्लोगन भी लोग बाग पढ़ सकें, अर्थात गीता के जो स्लोगन है जो सच्चाई है जीवन को आप अगर इस अनुसार ढालते हैं तो आपको जीवन में शायद कभी ईश्वर की तरफ से या किसी की तरफ से भी आपको कोई कष्ट ना मिले। तो पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, फल फूल भी पेड़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो यहाँ पर संत समाज है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सेवा करता है, इन्होंने शहरों से अच्छा, बड़े बड़े शहरों से अच्छा यहाँ पर इस मंदिर को बनाया है। और इनके पास इतना यहाँ गांव में अनुदान भी नहीं है, फिर भी जो इन्होंने बनाया है वो काबिले तारीफ़ है और इसकी तारीफ़ ही की जा सकती है, सिर्फ इसमें कोई खंडन नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी सुंदरता से बनाना भी बहुत बड़ी बात है। तो आइए अब आप लोगों को आगे दिखाते हैं यहाँ का किचन, जे यहाँ का भंडार कक्ष है, भंडार गृह वहाँ पर लिखा भी हुआ है, शायद साधु जी यहाँ से चले गए हैं अभी इसलिए बंद है, वरना आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो साधुओं के द्वारा आपको चाय पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। ये भंडार कक्ष बहुत ही अच्छा है, मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ और मैंने अंदर से भी देखा है, जब आप लोग भी आएंगे तो आपको एक यहाँ पर अपनत्व दिखेगा कि अपनापन सा एक महसूस होगा कि भाई ये हमारा ही है, हमारा है नहीं पर एक हमारा ही है, हमारे ईश्वर है यहाँ पर, एक आपके जो मानसिक तनाव टेंशन है वो यहाँ पर आकर आप अपनी कम कर सकते हैं, जो अंदर शायद जालियों के अंदर आपको दिखा सके। बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है इन लोगों ने, डिब्बे जो खाने के डिब्बे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर, और साफ़ सफाई के साथ ही बहुत सुंदरता से खाना भी यहाँ पर लोगों को भी खिलाया जाता है और साधु संत भी खाते हैं। और आगे आइए आपको दिखाते हैं कि इनका जो भी है वो बहुत ही सुंदरता से हर चीज़ को इन्होंने बांट के रखा है यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे कि एक खाने का सामान जो बर्तन है वो भी बहुत अलग तरीके से धो के और रखने का एक यहाँ पर रिवाज है, जो भी अपना खाना खाते हैं तो अपना स्वयं धो के और यहाँ रखने का इन लोगों का एक अच्छा रिवाज है। यहाँ पर हर तरीके के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर यहीं बर्तन धोते रहने का भी सिस्टम बनाया गया है। तो ये स्थान छतरपुर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर सटई और सटई से 3 किलोमीटर अंदर है, अटरियन नाम से ये स्थान फेमस है। और अगर आप लोग आना चाहें तो सटई में किसी से भी आप पूछ सकते हैं तो कोई भी आपको बता देगा कि ये स्थान कहां पर है और कैसे आपको यहां तक पहुंचना है। खैर पैदल आप लोगों के लिए दूरी हो जाएगी 2-3 किलोमीटर क्योंकि कोई यहाँ पर साधन नहीं है, तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप लोग पर्सनल साधन से अगर आ सकें यहाँ पर तो अच्छी बात है क्योंकि दूरी ज़्यादा है। और छतरपुर से तो आपको वाहन सटई तक के लिए कोई भी वाहन मिल जाएगा पर सटई से यहाँ तक के लिए आपको वाहन नहीं मिलेगा। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का सुंदर ग्राउंड जहाँ पर लोग बैठते हैं और जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर किए जाते हैं। और इनकी मतलब इन्होंने इतना सुंदरता से इसको बनाया कि शौचालय भी अगर आप लोग देखेंगे तो एकदम बिल्कुल अलग बनाया है मंदिर से हट के, ताकि किसी के भी दिमाग में या जहन में कोई गलत बात ना आए और जहाँ जो चीज़ होना चाहिए वहाँ पर बहुत सुंदरता से उन्होंने उसको रखा हुआ है या बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से शौचालय भी जो दूर है वो दूरी पे बनाया है मंदिर से, ताकि धर्म पर भी उसकी कोई दिक्कत ना आए। और वृक्ष तो आप देखिए कि बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा आम के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं, तो और फलदायक वृक्ष ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगाए गए, सीधी बात अमरूद के भी बहुत सारे वृक्ष हैं। मैं आपको इसके बाद इनका पार्क भी जो दिखाऊंगा, ये तो एक छोटी मात्रा में यहाँ पर लगाए गए हैं वृक्ष, बाकी जो मेन वृक्ष हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जो यहाँ इनका गार्डन है बहुत ही सुंदर है वो भी। और जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर लोगों को रुकाया जाता है और उनको व्यवस्था दी जाती है, जैसे आपने अभी देखा भंडार कक्ष खुल गया है, शायद गुरुजी आ चुके हैं वहाँ पर भंडारी। तो संतों में भी बड़ी परंपराएं होती हैं
और इनमें भी परंपराएं हैं कि पहले आप कोठारी बनाएंगे, फिर आप अपने किचन में भंडारी बनाएंगे, भंडारी के बाद आप पूजा करेंगे, संत बनेंगे। तो इनके नियम होते हैं, संतों की भी एक परंपरा होती है जिसके अनुसार ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसमें कोई फिर दिक्कत भी नहीं आती है। स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। तो आप उन साथ गुरु जी से बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बाकी अभी सिर्फ आप लोगों को एक सुंदरता के बारे में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ की सुंदरता सिर्फ देखें। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब हो जाते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये बड़ा मैदान है यहाँ पर, और लोग बाग यहाँ पर खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था होती है। खैर आज यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से अभी कोई नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे ही और महाराज जी के भी दर्शन कर सकें और इस स्थान के भी दर्शन कर सकें। तो ये वृक्ष जो बरगद का पेड़ है ये भी देखिए कितनी सुंदरता से बनाया हुआ है, और बरगद के नीचे जो ये आपको दिखेगा टपरा टाइप का बनाया हुआ है, बहुत ही भव्य और सुंदरता। इसमें प्राकृतिक भी जो हमारे पुराने लोग बनाते थे उस डिज़ाइन में इसको बनाया गया, और नए डिज़ाइन में भी इस पर लेंटर ऊपर से डाला गया है, तो दोनों को मिलाकर इसे बनाया गया है। बड़ा सुंदर लगता है ये देखने में जब आप इसको देखेंगे। इसके नीचे से भी मैं कहूँगा तो आप देखिए किस तरीके से नीचे से भी इसमें सुंदरता दी गई है। देखिए ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है, आप लोग देखें, और ऐसे ही बहुत सारे बरगद के पेड़ यहाँ पर और भी हैं। तो आइए अब आप लोगों को ये बरगद के पेड़ ग्राउंड दिखाएं राहुल जी पूरा बेहतरीन तरीके से। इसके बाद चलते हैं हम और आप थोड़ा सा गार्डन में भी जो यहाँ पर बनाया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। तो गार्डन भी आप लोग इसके बाद देखें, गार्डन की सुंदरता, और कई प्रकार के वहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं। ये देखिए आप लोग, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर इतने अच्छे पक्षी हैं और इनकी आवाज़ सुनते ही कानों में एक किलकिलाहट, इनकी जो किलकिलाहट होती है पक्षियों की वो कानों तक जाती है, तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। एक दिमाग में जो भी हमारे दिमाग में टेंशन थी और थकावट थी वो सारी यहाँ पर आकर और एकदम दूर हो गई। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और ये देखिए आप, एक यहाँ पर नाला भी बनाया गया है जी, सुविधा के अनुसार किस तरीके से पत्थर लगाए गए यहाँ सुंदरता में, कि इतना शहर के मंदिरों में भी कोई नहीं करना चाहता, जितना ये इतनी दूर होने के बावजूद भी इतनी सुंदरता इतनी बारीकी से इन्होंने यहाँ पर एक एक पत्थर कैसे जमाया, इतना सुंदर बनाया यहाँ पर। तो मैं तारीफ़ करता हूँ इन सभी की जिन्होंने इतनी मेहनत की। कुआँ भी यहाँ पर है पानी की व्यवस्था के लिए, और पर्याप्त पानी है कुएँ में और चलता है, इसी से यहाँ की खेती भी इसमें लगी हुई है काफ़ी, तो वो भी इसी में खेती भी होती है। एक ग्राउंड देखिए कितना सुंदर है, यहाँ आपको सफाई दिखेगी, यहाँ पर कचरा पॉलीथीन या कोई भी चीज़ आपको कभी नहीं दिखेगी। और वीडियो के माध्यम से मेरा एक और निवेदन है उन माताओं बहनों से जो कचरा खाना पन्नी में फेंकते हैं, वो लोग भी ना फेंकें, क्योंकि उससे गाय माता या कोई भी जानवर खाते हैं तो वे बीमार होते हैं। और ये देखिए कितना छोटा सा आम है और किस तरीके से फरा हुआ है, कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो किसी के धन से या किसी के दान से मंदिर नहीं चलते हैं, मंदिर चलते हैं अच्छे संतों से और अच्छी सेवा से। जितनी अच्छी सेवा की जाएगी मंदिरों में उतना सुंदर और उतना अच्छा वहाँ पर लगेगा। धन से तो सिर्फ वहाँ पर आप टाइल्स लगा लेंगे सुंदरता, पर मेहनत से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, और ये मेहनत ही है जो यहाँ पर इतनी सुंदरता आप लोगों को आज देखने को मिलती है। और मैं इन साधुओं को साधुवाद देता हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर और इतनी अच्छी मेहनत करके और इसको बनाया है। ये देखिए आम डले हुए हैं, पक्षियों के खाए हुए हैं, और ये छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर इसी सिर्फ इतने की ही इच्छा लेकर यहाँ पर रहते हैं कि उनका यहाँ पर भरण पोषण होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी आप वृक्ष लगाएँ तो हर जगह वृक्ष सिर्फ ज़्यादातर फलदायक ही लगाएँ, ताकि जो हमारे पशु पक्षी आज हमने उनके घरों पर अपना घर बना लिया है और उनके घर उजाड़ दिए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रुकने की सुविधा दें, तो अपने घरों में भी लगाएं, तो एक ज़रूर बरसात के मौसम में आप लोग भी एक वृक्ष लगाएं फलदायक, यही आप लोगों से आग्रह है। इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को आगे चलकर यहाँ का जो सुंदर गार्डन है, और बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष हैं वहाँ पर भी, बहुत बड़े एरिया में ये बनाया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो है, यहाँ पर AC भी लगी हुई है, आप लोग देख पाएंगे।
मंदिर में परमहंस गुरु जी महाराज जब यहाँ अड़गड़ानंद जी महाराज जी आते हैं तो उनके लिए कमरा विशेष यहाँ पर बनाया गया है और उस कमरे में वो रुकते भी है। और बहुत सुंदर वो कमरा भी बहुत सुंदर बनाया गया है। खैर अभी वो खुलेगा नहीं, जब वो आते हैं साल में एक बार या दो साल में एक बार आते हैं तभी वो गेट खुलता है, ऐसा हमें साधुओं ने बताया है। तो चलिए अब आप लोगों को गार्डन दिखाते हैं, यहाँ का कितना सुंदर गार्डन है जी। आप लोगों को मैं एक छोटा सा आम दिखाना चाहता हूँ कि कितना छोटा पेड़ है और शायद एक साल का या डेढ़ साल का ही होगा और किस तरह के से फरा हुआ है, इसको आप देखिए। अगर घरों में भी आप लोग ऐसा एक पेड़ लगाएंगे तो आपके बच्चे ही, मैं कहता हूँ पशु पक्षी तो दूर की बात है मत खिलाइए आप, आपके बच्चे ही अगर ये फल खाएंगे तो देखिए किस तरीके से, यह कितना सुंदर पेड़ है, मतलब कि कितना ज़्यादा फरा हुआ है देखिए आप। खाली इसकी सुंदरता सिर्फ, और इसके आम कितने सुंदर हैं ये देख के ही एक दिल में अजीब सी और एक इच्छा होती है जो ऐसे तोड़ के खाने की होती है, आप लोगों की भी होगी और आगे तोड़ के खाऊंगा भी। और ये नींबू के भी बहुत सारे यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये नींबू यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आप लोग देखेंगे नींबू के बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये यहाँ का गार्डन है, गार्डन में इतना सुंदरता है, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग कि एक पत्ता नहीं आपको कहीं पर दिखेगा। देखिए अगर आप लोगों को एक भी पत्ता यहाँ पर दिखे, और जैसा कि ये एक जानकार ने मुझे बताया कि ये सिंदूर का पेड़ है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। तो ये देखिए किस तरीके से वो दिखा रहे हैं आप उनको कि ये सिंदूर का पेड़ है, यहीं पर दिखाएं भाई। तो आप लोगों ने शायद कभी सिंदूर का पेड़ ना देखा हो, जो माताएं बहनें अपने सिर पर सिंदूर का पेड़ सिंदूर लगाती हैं वही वृक्ष है, इसी में से वो सिंदूर प्राप्त होता है और कैसे मेहनत से वो लोग निकालते होंगे। देखिए कितना सुंदर वृक्ष है, इसकी सुंदरता ही आप लोग देखिए, खाली बड़ा ही सुंदर वृक्ष है। और ऐसे सिंदूर काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पर सिंदूर के, तो ये भी बहुत ही अच्छी वो है जानकारी सिंदूर के लिए आप लोगों को कि ये सिंदूर भी देखने को मिल रहा है। जो लोग भी हमारा वीडियो देखें उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि वो लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और एक बार यहाँ पर देखें, उनको शायद देखकर अगर आनंद विभूति नहीं होती है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से कुछ भी लिख सकते हैं, पर एक बार आप लोग आइए, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी है, आप लोग पिकनिक भी मनाने आ सकते हैं और ज़्यादा दूरी भी नहीं है अपने छतरपुर ज़िले से। जो भी वीडियो को देखें छतरपुर के या बाहर के भी लोग हों तो वो भी देखें, तो बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर कहीं पर भी पार्टी मना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पर कोई भी कचरा गंदगी पॉलीथीन ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो संत जी हैं बहुत ही मेहनत करते हैं वो, और संतों की मेहनत से ही ये आश्रम आज इतने अच्छे और इतने सुंदर दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये उन्हीं का बहुत बहुत पुण्य प्रताप है और बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार जो हमारे धर्म की रक्षा ऐसे संत लोग इतनी दूरी पर रहकर भी कर रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे आपको आम के पेड़ दिखेंगे, कई प्रकार के यहाँ पर आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ इसलिए भी आज आप लोगों को दिख रहे होंगे या मैं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इनमें आम आ चुके हैं, इनका सीजन आ चुका है, तो हर साल में एक बार इनका सीजन आता है और ये बहुत ही सुंदरता से और फल देते हैं, जिससे कि यहाँ के पास के लोग, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो लोग इनका ग्रहण कर पाते हैं। तो इनकी मेहनत और आपके बच्चों के लिए ये लोग कर रहे हैं, जो भी है यहाँ आप अपने बच्चों को लेके आएंगे तो वो भी इन फलों का आनंद लेंगे। और जो यहाँ के संत जी हैं बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, तो मैं तो यही आप लोगों से निवेदन करूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। अटलियन सरकार छतरपुर ज़िले से सिर्फ 17 किलोमीटर दूरी पर सटई के पहले ही ये स्थान है और सटई से 3-4 किलोमीटर दूर पर ये स्थान है। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाहें वो अवश्य आएँ और यहाँ पिकनिक पार्टी जो भी अपना बच्चों के साथ आप मनाना चाहते हैं मना सकते हैं। और दूसरा कुआँ भी यहाँ पर ये है जिससे यहाँ पर पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो और एक गेट भी यहाँ पर एक है, और यहाँ पर दो गेट बनाए गए हैं निवास के लिए मंदिर में, एक गेट है और एक जिस गेट से आप लोगों को पहले वीडियो दिखाया था आते वक्त, एक वो गेट है। तो दोनों गेट यहाँ पर लगाए गए हैं आश्रम में,
और साधु संत भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। कुटिया बहुत अच्छी बनी हुई थी एक समय पहले, अब खैर यहाँ कोई आता नहीं है तो इस वजह से, और इस तरफ गुरुजी लोग नहीं आ पाते हैं तो उसको ऐसे ही अभी बना दिया है पन्नी अन्नी डाल के। बाकी बहुत ही सुंदर तरीके से इस कुटिया को बनाया गया था और ये त्रिशूल भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये कुटिया है यहाँ पर, जो भी यहाँ रहते हैं इसकी देखभाल के लिए गार्डन की, तो वो लोग यहीं पर अपना रुकते हैं और यहीं से अपने देखते रहते हैं, क्योंकि व्यवस्था और जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। और कटहल देखिए आप किस तरीके से फरा हुआ है। अगर आप लोग अपने घर में ही ये वृक्ष लगाएंगे तो आपको जो ख़राब फल लेने पड़ रहे हैं, इंजेक्शन से लगे फल लेने पड़ रहे हैं, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके घरों में ही दो चार प्रकार के फल आप उपलब्ध कर सकते हैं, जैसे अमरूद का, आप आम का, ये दो चार प्रकार के आप लोग फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से त्रिशूल देखिए महाराज जी का, यहाँ पर त्रिशूल भी लगा हुआ है और जो कि भोले बाबा का निशान भी माना जाता है त्रिशूल, और भव्य है त्रिशूल देखिए आप किस तरीके से सुंदर। तो यहाँ की एक एक चीज़ सुंदर है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कहने वाला नहीं है कि यहाँ पर एक कमी है, क्योंकि कमी तो यहाँ पर गुरु जी लोगों ने कोई छोड़ी ही नहीं है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया है। गुरु जी प्रणाम करता हूँ। गुरु जी बताएं कितने सालों से आप यहाँ पर हैं आश्रम में? महाराज बता सका 18 साल से कम नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर 18 साल से हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुंदर है, वो उनका कहना है, महाराज जी बताएंगे, क्योंकि ये भी एक संत परंपरा होती है कि नियम अनुसार जिसको जो चीज़ बोलना है वही बोलेगा हर व्यक्ति, आज की तरह नहीं कि उसको ज्ञान भी नहीं और वो बोलने लगे, पर यहाँ पर एक परंपरा होती है संतों की, जो उसी की वजह से ये लोग ये सब अच्छे कार्य वो कर पाते हैं। पानी के लिए देखिए इन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे घर पे ही बना दी हो, यहीं आश्रम पे ही बनाई हो, मतलब कितना सुंदर कुंड बनाया है गायों के लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए। तो ये यहाँ का गार्डन है और बहुत ही सुंदर है, और मैं तो यही आप लोगों से भी अपील करूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर आएँ। छतरपुर ज़िले से सिर्फ 17-18 किलोमीटर दूरी पर ही है अटलियन सरकार के नाम से परमहंस स्वामी श्री अड़गलानंद जी महाराज जी का ये स्थान है, और बहुत ही सुंदर स्थान है। और अब तो खैर संजय टाइम हो चुकी है, जय संजय माई, और बहुत सुंदर है। आप लोग अपने बच्चों को लेकर जरूर यहाँ आएँ एक बार, और साल में यहाँ पर एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है जब यहाँ पर स्वामी जी आते हैं, तो वो देखने आप लोग ज़रूर आएँ। और अगर वैसे आप लोगों को कभी आना है टाइम निकाल के, तो जिनके पास ऐसी जगह नहीं है बैठने के लिए, वो ढूंढते हैं कहीं बाहर जाते हैं पिकनिक स्पॉट ढूंढते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों कार्य होंगे, पिकनिक भी और आपका धर्म भी। तो जो आपके बच्चे धर्म से दूर हो रहे हैं वो धर्म को भी जानेंगे, और जो आप लोगों को तनाव है या कुछ भी है, आप चाहते हैं कि घर से हम बाहर रहें, पेड़ पौधों के बीच में रहें, संतों के बीच में रहें, तो ये स्थान बहुत ही सुंदर है, वो आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ से आपको जो भी सीखने को मिले वो सीखें। और बहुत ही भव्य है, और इसकी व्याख्या मैं मुँह से कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो यहाँ पर मुझे मैं देख पा रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जी देखिए महाराज जी लोग ऐसे इस तरीके से लोग पूरे दिन यहाँ पर अपना समय देते हैं और मन से यहाँ पर ये लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सुंदरता बनाई गई है, और ये वृक्ष इन्हीं की वजह से आज यहाँ पर जीवित हैं, क्योंकि गुरु जी जरूर एक बार खाना ना खाएं पर ये वृक्षों को वो पानी देना नहीं भूलते हैं। और यहाँ पर जो सफाई है वो सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है, ताकि यहाँ जो भी लोग आएँ तो उनको यहाँ पर सफाई की अनुभूति प्राप्त होना चाहिए। ये जो आप लोग पढ़ पा रहे होंगे अर्थात गीता के बारे में, तो ये उन्हीं गुरु जी के द्वारा बनाई गई है, अड़गलानंद जी के महाराज जी की, और अपन गुरु जी से पूछेंगे इसके बाद, जैसे ही वो अपना इससे डेली के काम से फ्री होते हैं, अपना पानी वानी डाल के वृक्षों को देके, तो फिर इसके बाद गुरु जी से अपन लोग बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की कुछ जो बातें हम नहीं जानते हैं और आप लोग भी नहीं जानते हैं, तो गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो ये स्थान देख पा रहे होंगे, ये स्वामी श्री परमहंस अड़गलानंद जी महाराज जी का स्थान है, और उन्हीं का एक कमरा है, साल में एक या दो बार ही ये खुलता है, तभी अंदर दर्शन हो पाते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस कमरे को भी बनाया गया है गुरुजी के लिए, और
साल में एक दो बार ही खुलता है जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, तो अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। ये स्वामी जी की तस्वीर है, आप लोग देखें स्वामी जी की तस्वीर। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं कुछ और। यहाँ पर हर तरीके से मतलब व्यवस्थाओं से एकदम लैस कहना चाहिए जो वो है यहाँ पर मंदिर में। इतनी दूरी होने के बाद भी यहाँ पर हर तरीके की एक छोटी से छोटी व्यवस्था यहाँ दी गई है और सुंदरता के साथ दी गई है, जो लोग घरों में भी नहीं अपने कर पाते हैं। जैसे ये देखिए आप, हाथ धोने के लिए भी पानी की व्यवस्था यहाँ पर इस तरीके से बड़ी सुंदरता से, और आप जब भी चालू करेंगे इनमें पानी निकलेगा, वो बड़ा ही सुंदर बनाया गया है। ये कुटी बनाई गई है जो हमारे गुरु जी अभी मिले थे थोड़ी देर पहले। ये हनुमान जी महाराज जी का स्थान है और दिव्य दर्शन है यहाँ पर हनुमान जी महाराज के, और कलयुग के राजा भी हैं। और ये देखिए आप गुरु जी की कुटी, आप वीडियो से बाहर से ही दिखाएं थोड़ा सा, ये कितनी सुंदर कुटी बनाई गई है गुरु जी की, और ऊपर से भी इसमें बांस लगाया गया है। बहुत छोटी जगह पे गुरु जी आपने इतना शानदार और सुंदर बनाया है इसको कि इसकी कल्पना भी नहीं व्यक्ति कर सकता कि इतनी सुंदर जगह में और इस तरीके से और किसी का निवास हो सकता है। तो एक व्यक्ति के लिए कितना सुंदरता से, और देखिए आप महाराज जी की भी फोटो भी लगी हुई है यहाँ पर, बहुत सुंदर उनका पलंग अलंग भी इस तरीके से साफ़ सुथरी तरीके से संत समाज यहाँ पर रहते हैं गुरु जी, बहुत ही सुंदर और अकल्पनीय है ये सब चीज़ें देखने को। बहुत कम लोगों को प्राप्त होंगी आज इस युग में जो कुटी बनाई है, ये बहुत ही पुराने ज़माने की तरह बनाई गई है, जो वास्तव में कुटी ही कहलाती है वही है। तो बहुत सुंदर, और इसके बाद कुछ महाराज जी से बातें करते हैं। तो चलिए आप गुरु जी से कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में, और वो स्वयं बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या खूबी हैं और क्यों यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, और कब यहाँ पर गुरु अड़गलानंद जी महाराज परमहंस आते हैं, ये भी हम उनसे जानकारी लेंगे। तो गुरु जी नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आपको, और जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर शुरू से लेकर और अभी तक ऐसे कौन से संत रहे जिन्होंने यहाँ पर और ये विकास करवाया है। ये भैया भी हरा तो बिल्कुल जंगल जी, यहाँ कुछ नहीं था जी, एक नदिया थी यहाँ। आप जहाँ बरिया के यहाँ घूम आए जी, जितनी पत्थर की ऊंचाई देख रहे हो जी, इतना ये पुराव है जी, मतलब ये सब पैश्रम है महलों का। हाँ, अपने स्वयं का पैश्रम है जी, ये अपने हाथ लगाए, अपने हाथ की गरी हुई पत्थर है, ये नदिया ना वगैरह, ये नक्शा वगैरह जी जी, ये भटिया सीधी थी जी, इसी के ऊपर ये जहाँ बैठे हैं ये फाउंडेशन पुराना है जी, इसको नाम अटरिया कहते हैं जी, मरणपुरा हार है ये जी, हम सुन रहे हैं ये मरणपुरा हार है, किसी समय का ये वसीकत है जी, उसका मौजा भी है, मतलब जमीन जी जी यहाँ पर सब कुछ है, मतलब कहाँ कहाँ ये आज भी बताओ जाते हैं मरणपुरा हार जो है तो 400 एकड़ धरती कुछ मतलब बंजर ही है, किसी के नाम नहीं है जी, उसी पर ये अपना आश्रम है जी जी। महाराज ये स्वामी जी कब यहाँ पर पधारते हैं? स्वामी जी पिछले साल आए थे, शायद 17 मई का, मई कौन महीना का कहते हैं जी, मई हाँ, कौन से महीना आप चौथे 5 जनवरी भाई, मार्च अप्रैल, 5वें महीना को पीछे। हाँ हैं, 5वें महीने को मतलब देसी में कौन महीना आया वो हिंदी में? हिंदी में मई आया। हाँ हाँ सही कह रहा है, वो तो अपन को भी ज्ञान नहीं है, साल में तो सब भूल गए अपन लोग भी। ये जेठ चल रहा है। हाँ जी है? हाँ पिछले साल आए थे ठंडियन के समय पे। अच्छा, हमका याददाश्त नहीं रात भैया, हम बगैर पढ़े लिखे हैं। हाँ, आपसे बताएं जी जी जी, 17 तारीख को हमको ध्यान है जब आए थे हेलीकॉप्टर से पहली बार जी, और फिर दोबारा भी हेलीकॉप्टर से आए हैं जी। तो ये डेट का हमें पता नहीं है, दोबारा पहले आए थे तो 2-2.5 घंटा रुके थे महाराज जी जी जी, यहाँ से आए थे सतना के पास से, सुमिरन घाट आश्रम है उनका जी, स्वामी जी वहाँ थे जी, वहीं से आए थे 2 घंटा के लिए, वहाँ का भंडारा था, यहाँ भी उन 2 घंटा का समय दे गए थे, चले गए थे, फिर दोबारा आए हैं जब, तो यहाँ 3 दिन रुके हैं स्वामी जी, 3 दिन रुके हैं। और हमारी इसका आश्रम का
शुरुआत यहाँ जंगल में ये कुटिया भर बनी थी जी हनुमान जी की जी, और यहाँ कुछ नहीं था, बड़ी बड़ी दीवारें थी, यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे जंगली जी, ये सब परिश्रम करके इसको बनाया। इसके मतलब शुरुआत से आज भी मानता महंत त्यागी जी 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 त्यागी जी महाराज, हाँ जानते हो, जानते बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी जानते हो, उनको भी महाराज जी जानते। तो त्यागी जी हैं सब सर्वे सर्वा जी जी, और यह आश्रम उनका मान लिया दोबारा बनो कहो, पहला आश्रम आप जानते हो भभूतिया हैं जी, और मतलब तीसरे नंबर का आश्रम में आज भी काम वहाँ चल रहा है, कुआँ बंध रहा है जी, कुआँ खुदो है, कुआँ बंध रहा है मलघोसे में जी जी, अभी मलघोसे भी हो, मलघोसे पे है त्यागी जी, किसी दिन हो आए वहाँ का भी देख लियो, नक्शा नमूना कितना सुंदर, नहीं देखा है गुरु जी वहाँ भी, हुआ ही है, हाँ देखा है, बहुत सुंदर है। लिया भैया और का बताऊ, बस गुरु जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आप जाना थे जी जी, हम बगैर पढ़े लिखे जी जी। अभी वैसे महाराज जी का आने की कोई आपके पास ऐसी सूचना है क्या? हाँ महाराज जी आ सकते, हमारे महाराज जी यहाँ से गए थे त्यागी जी, करीबन चाहे महीना जुमकराव हुई जी, जब यहाँ से गए हैं उसी समय बात हुई थी, मतलब वहाँ के महाराज जी की में है फरीदाबाद में स्वामी जी, फोन आया था कि स्वामी जी कुछ चर्चा कर रहे हैं बरचर के लिए जी। अच्छा स्वामी जी ये कह चुके हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे, अब आपकी बार 5 दिन रुकेंगे, अरे बढ़िया बहुत बढ़िया, 5 दिन रुकेंगे, जितने तुम्हारे आश्रम है सब आश्रम घूमेंगे जी जी, मतलब ये उनका आशीर्वाद मिला है बरचर से। तो बरचर से जब जा रहे थे तब कोरोना का जोर था जी, और अभी भी अब सिलेंडर भाव है खुद थोड़ी थोड़ी जी, एक महीना पहले बात हुई थी, मतलब कहाँ का कि वहाँ के संत जी ने बताया था, उनके पास में जो नजदीक रहती है सेवा में, उनने बताया था कि मतलब स्वामी जी वो खिलाने बरचर का तैयारी कर रहे हैं, तो बरचर आने में या जाने में यहाँ का अब समय निर्धारित नहीं है, लेकिन आना निश्चित है जी, और कहे हैं कि 5 दिन रुकेंगे यहाँ। अब जब उनके कृपा हो जाए, जैसे महाराज जी कोई ग्रस्त व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो अपने परिवार के साथ पिकनिक पार्टी कर सकता है मंदिर के अंदर? देखो ऐसा है भैया जी, करता तो सब कुछ हुए जी जी, आप ही लोगन का है हमारे हो या कुछ, अरे यार हम तो यार बैठे हैं 4 दिन के मेहमान हैं, अरे थोड़ी देर के लिए मान लो जी जी, ये भगवान का धाम है, सबका है, हमारा नहीं है तुम्हारा है, जितना अधिकार हमारा है जितना तुम्हारा है जी जी, लेकिन उसकी मर्यादा नहीं यहाँ लोग बाग बनाते जी, अब देखते हो तुम कहीं टुकड़ियाँ नहीं मिलेगी तुमको, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, कहीं थूका नहीं मिलेगा तुमको, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई कागज नहीं मिला होगा तुमको, कहीं नहीं, इतने बड़े आश्रम में कुछ नहीं। और गिनती के 3 महात्मा हैं यहाँ, बहुत आप लोग बहुत, मैंने पहले भी वीडियो, और बुढ़ी बुढ़ी महात्मा हैं जी, थोड़ी देर के मान लो, तो ये इसका ध्यान नहीं देते भाई, समझ क्षमा करना, आप लोग मतलब कहाँ का अपने स्तर पर रहते हैं जी जी, नई फैशन आदत हो गई, जहाँ पाया जहाँ तुम्हें थूकना है, जहाँ तुम्हें पाया जहाँ तुम्हें अपने मन का करना है वो ठीक है, लिया मतलब यहाँ भगवान की यहाँ मर्यादा करके अगर कोई करे जी जी, तो सबके लिए खुला हुआ है, मर्यादा के खिलाफ करते हैं, इसलिए हम नियम बनाए हैं कि भैया देखो पिकनिक जिसे मनाना है तो बाहर मनाइए जी जी, जो सामान की कमी हो जो व्यवस्था चाहिए वो हम दे देंगे जी जी, लेकिन अंदर नहीं करने देते इस वजह से जी, और कोई बात नहीं है, सबके लिए भी नहीं है, अभी सबके लिए भी नहीं है, आदमी देख करके भी काम किया जाता है, आप लोग हो उस चीज को समझते हो, मर्यादा करते हो, उसकी इज्जत करते हो, आपका घर है भैया जी जी, बिल्कुल भगवान का घर है, आपका घर है, बिल्कुल हमारा उसमें ये थोड़ी है कि नहीं, मतलब हम तुम लोग, लेकिन मर्यादा के खिलाफ है तो हमारा अधिकार है, मतलब थोड़ी सा वर्जित करना जी। जैसा कि आप लोगों ने अभी गुरुजी से सुना है कि यहाँ पर या किसी भी धर्मी स्थल पे आप लोग जाएं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें ना करें, जैसे कि बीड़ी के टुकड़े फेंकना, गुटखा ना फेंकना, या अन्य तरीके से एक मर्यादा में हर चीज़ की जाए तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है। और मेरा भी निवेदन सभी से यही है कि अपने जो आसपास के मंदिर हैं या घर में भी आप रहते हैं तो इस तरीके से जैसे गुरुजी ने बताया इसी तरीके से आप लोग रहिए मर्यादित, तो हर जगह आपका सम्मान है, इज्जत है, और आपको सम्मान मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार और जय श्री राम करना चाहता हूं, और वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और गुरुजी से कुछ बातें करेंगे। जय अड़गड़ानंद महाराज जी की, प्रणाम करता हूं।